नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह चौहान। आगामी 21 दिसंबर को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव। प्रत्याशियों ने किया चुनाव प्रचार तेज। जनपद गौतम बुद्ध नगर दीवानी फौजदारी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव 2018-19 में प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एल्डर कमेटी के चेयरमैन संतराम भाटी ने बताया कि आने वाली 21 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर कमेटी के द्वारा बड़ी तैयारी की जा रही है। इस चुनाव को संपन्न बनाने के लिए 30 से ज्यादा चुनाव अधिकारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा, मुझे पूरा भरोसा है और अच्छी वोटों से चुनाव जीतूंगा। सर, क्या रहेगी आपकी प्राथमिकता यहाँ के कोर्ट परिसर को लेकर? जो कोर्ट परिसर में समस्याएं हैं इनको दूर किया जाएगा, और जो वकीलों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं जुडिशरी के साथ, उनका समाधान किया जाएगा और वकीलों के वेलफेयर पे भी काम किया जाएगा। जी, महिला अधिवक्ताओं के लिए क्या पहल की जाएगी? स्पेशल बार रूम महिलाओं के लिए लेडीज बार रूम बनाया जाएगा, उसमें क्रैश की व्यवस्था की जाएगी, उसमें क्रैश होगी। हाई कोर्ट बेंच को लेकर बात कही जा रही थी, तो क्या इस पे राय है आपकी? हाई कोर्ट बेंच के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे जो पूर्ववर्ती हमारे अध्यक्ष वो रहे हैं, हमारे पूर्वज वहाँ से संघर्ष करते रहे, हम भी आगे करेंगे संघर्ष हाई कोर्ट बेंच के लिए। जी सर, एक सवाल और कि जो महिला अधिवक्ता हैं, चुनाव अभी हो रहे हैं, अध्यक्ष पद या सचिव पद के लिए महिला अधिवक्ता आगे नहीं आती, क्या वजह हो सकती है? ऐसा नहीं है, पहले भी महिला अधिवक्ता हमारे सेक्रेटरी रह चुकी है कमलेश चौधरी जी, वो तो अलग अलग समय, ऐसा कुछ को बंधन नहीं है, महिला अधिवक्ता नहीं आएंगे, आ सकती है, कोई उनका रोक टोक नहीं। सर, क्या मानते हैं किसके सामने आपकी फाइट चुनाव में? मेरी जगतपाल भाटी से मेरी फाइट है जी। मनोज तो तीसरा नंबर कैंडिडेट। कितने वोटों के लिए सर मतदान किए जाएंगे? 1187। वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजकुमार नागर ने आज बातचीत के दौरान कहा कि कोर्ट परिसर में जो भी समस्या है उससे अधिवक्ताओं को शीघ्र निजात दिलवाना मेरी प्राथमिकता होगी। राजकुमार नागर ने नामांकन के बाद से ही अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं सचिव पद के प्रत्याशी राज सिंह भाटी ने भी अपना चुनाव प्रचार किया। राज सिंह भाटी ने कहा कि जिन अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर नहीं है उनको चैम्बर दिलवाया जाएगा व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, प्रत्याशियों ने पूरी तैयारी से चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं मतदाता भी इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। आज जब मतदाताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में बहुत सारी समस्याएं अभी भी जिंदा हैं और सभी को विकास की जरूरत है। जो भी प्रत्याशी विजयी हो उसे विकास के लिए आगे आना चाहिए। देखो, चुनाव तो हर साल होता है जी, लेकिन इस साल इतनी गंभीर समस्या है हमारे कोर्ट में। हमारे जो जो छोटे भाई हैं, जो अभी जो मतलब जिन्हें 3 साल हुई है प्रवेश करे हुए, 3 साल में सबको चैम्बर मिलना आवश्यक है। किसी के पास भी चैम्बरों की एक भी चैम्बर किसी को नहीं मिल पा रहा है। 3 साल से सब हमारे जो अधिवक्ता भाई हैं सभी ने डोल रहे हैं, लेकिन चैम्बर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सर, स्वच्छता को लेकर हर बार बात कही जाती है, लेकिन सिस्टम फेल क्यों हो जाता है, क्या वजह? देखो, स्वच्छता के लिए तो आप मतलब हर साल सब लोग कहते हैं भाई ये कराऊंगा ये कराऊंगा, लेकिन वो जीतने के बाद कुछ नहीं करा पाते। लेकिन हमारा ये सिद्धांत नहीं है। देखो, स्वच्छता तो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सो अपने आप करते हैं स्वच्छता, वो सफाई रखते हैं। ये तो कोई बाहर के लोग आते हैं चाय पानी पीते, वो फेंक के चले जाते हैं, अधिवक्ता कभी गंदगी नहीं करता हमारे। वकील साहब, एक सवाल ये है कि जो यहाँ पे कोर्ट में केस चलते हैं जो 4 तारीखों में निपट जाए उसमें 10-12 तारीख लगते हैं, क्या वजह हो सकती है? क्या ऐसा उपलब्ध कराया जाए कि जो ये जटिल समस्या का निजात मिल सके लोगों? देखो, ये समस्या हाई कोर्ट उच्च न्यायालय करेगा, हमारे अधिवक्ता के हाथ में ये चीज नहीं है। हम तो हाई कोर्ट बेंच की स्थापना करने की बात कही जा रही है। हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए हमारे यहाँ पश्चिमवर्ती वाले जो है मतलब कमेटी चल रही है, संघर्ष समिति चल रही है, सब जगह मतलब आंदोलन चल रहे हैं। ये पिछले 45 साल से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। एक दिन होगा, हम भी संघर्ष में हैं, हम भी चाहते हैं हमें भी हाईकोर्ट की बेंच यहाँ मिलनी चाहिए। मेरा नाम मनोज चौधरी, यागुदपुरिया है। हमारा जो मुख्य मुद्दा और मुख्य समस्या हमारे युवा साथियों की जो है वो स्थायी चैम्बरों की लड़ाई है। हम काफ़ी समय से काफ़ी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे स्थायी चैम्बर नहीं मिले हैं। तो हमारा तो हर प्रत्याशी और जो भी अध्यक्ष पे हैं सचिव पद का, उनसे यही निवेदन रहेगा कि जो भी नई कार्यकारिणी बनकर जनवरी में आए वो हमारी समस्या का समाधान करें, हमारे सभी चैम्बर विहीन युवा अधिवक्ताओं को स्थायी चैम्बर दिलाएं। सिंहराज पीलवान एडवोकेट। हाँ, चुनाव हो रहा है, क्या बदलाव देखना चाहते हैं? ये बदलाव देखना चाहते हैं, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ पोस्ट ऑफिस आए और
अधिवक्ताओं को चैम्बर मिले। हम 3 साल से यहाँ पर वकालत कर रहे हैं, अभी तक हमें चैम्बर नहीं मिले। एडवोकेट असलम खान है। देखो समस्या अभी हमारे साथी अधिवक्ताओं ने सारी समस्या गणवाएं, तो समस्या ये है जटिल मुद्दे हैं, लेकिन इनके साथ साथ एक हमारे यहाँ समस्या हो रहा है, जो भी चारों गेट है हमारे यहाँ उनमें CCTV कैमरे कभी भी काम नहीं करते जी, जिसको कई बार शिकायत भी कर चुकी है। और कई किसी की साथी अधिवक्ता की बाइक कार वगैरह चोरी हो जाती है तो बड़ी समस्या आती है, क्योंकि कोई हमें सुराग नहीं होता। तो अभी हमारे साथी जिनका हम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई भी जीत का आएगा तो इस समस्या को अवगत कराई जाए। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या हमारी जो चैम्बरों को लेकर के जो कि हमेशा 3 साल से चली आ रही है, वो अभी तक पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो भी नई कार्यकारिणी आए आने वाले टाइम में, जनवरी में जो आएगी हमारी, तो वो सबसे पहले आकर के हमारी समस्या का समाधान करें। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस का जो मुद्दा जो हमारे और अधिवक्ता साथियों ने बोला है, तो वो भी बहुत ज़रूरी हमारे लिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर हम जाते हैं तो हमें 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए अगर ये हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है तो उसके लिए हमें इतनी दूरी का फासला जो है वो तय नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा मामला ये कहीं शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये 2 समस्याएं हमारी बहुत ही गंभीर हैं, जिनको हमारी नई कार्यकारिणी को आकर के इसको शॉर्ट आउट करना होगा एनी हाउ एनी कंडीशन। हाँ और जो भी मेरे यहाँ रोड परिसर में जो भी समस्या है ये बहुत जटिल है। एक तो यहाँ कूड़ा उड़ा का सबसे बड़ा हो जाता है, डस्टबिन ना तो कोई, और जितनी भी सफाई हमारे यहाँ होती नहीं है, हर गलियों में यही हुआ है कि कूड़ा होता है, और कूड़ा की वजह से सब परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट ये है टॉपिक तो मेरे कि जो हमारे यहाँ चैम्बर्स का मामला है, ये चैम्बर्स का मुद्दा बहुत जटिल है भाई। जिस तरीके से चैम्बर न मिलेंगे हर अधिवक्ता को बहुत ज़्यादा, जिनको चैम्बर मिल गए वो तो बिल्कुल ऊपर बना नहीं देते, और जो हम अगर नीचे बैठ के बताओ कोई समस्या का हल ही ना मिले। JKK न्यूज़ की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें JKK न्यूज़।